खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव के मैथी टेकुरा ग्राम पंचायत की, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने सैकड़ों आवारा मवेशियों को पकड़कर कन्या जूनियर हाई स्कूल व आधी अधूरी बनी गौशाला में कैद कर दिया। कन्या हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में बैठना पड़ा। वहीं आपको बताते चले कि कन्या हाई स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल के बगल में आधी अधूरी एक गौशाला बनी थी जिसमें एक भी जानवर नहीं था, और जब आज आकर देखा तो मेरे स्कूल में आवारा मवेशियों में जमावड़ा लगा हुआ है। वीडियो साहब, आज ग्राम पंचायत मैथीपुर में ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों पकड़ करके विद्यालय में कैद कर दिया है। एक तरह से हम कहें कि जहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिलने चाहिए वहाँ पे गौशाला बना दिया, यानी कि पाठशाला बनी गौशाला, ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? अन्ना मवेशी यहाँ पर मैथीपुर चकलवंशी का एरिया है, इसमें इकट्ठा हुए थे तो ग्रामीणों की समस्या थी और यहाँ पर अस्थायी गौशाला एक निर्माणाधीन है तो पूरी नहीं हो पाई है, तो इसलिए उन्होंने आक्रोशित होकर ऐसा किया है। और लेकिन अब हम लोग इंतजाम करा रहे हैं और अस्थायी तौर पे इनके चारे और पानी की व्यवस्था करके टैगिंग करा के इसको गणना करके इनको जो है गौशाला जल्दी बनवाई जाएगी चिन्हांकित करके चारा का। यहाँ पे कुछ टेक्निकल समस्या थी जिसके कारण गौशाला पूरी नहीं हो पाई, निर्माणाधीन है, पिलर्स वगैरह तैयार हैं, टिन शेड वगैरह 2 दिन में बन जाएगी। ग्रामीणों का या प्रधानों का ये भी कहना है कि गौशाला को लेकर के सरकार द्वारा मुहिम तो ला दी गई, इसके ऊपर ला दी कि उनको उसके लिए खर्च नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या सर? देखिए, उसका एक प्रोसेस है, वो शासनादेश है, तो शासनादेश का अनुपालन करने पर जो जानवर टैग्ड हैं सिर्फ उन्हीं का जो है भुगतान होना है। तो थोड़ा सा और ऐसा कुछ नहीं है कि शासन की तरफ से पैसे की कमी है, लेकिन ये है कि जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो तब तक एडवांस में कोई पैसा नहीं मिलता है। वहाँ पे बच्चों को पढ़ना चाहिए, वहाँ पे गौ आवारा मवेशी गायों को कैद किया गया है, एक तरह से अगर कहें कि पाठशाला को गौशाला बना दिया गया है, क्यों ऐसा किया गया? अब ये तो गांव की मानसिकता है पब्लिक की, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। अब कल छुट्टी थी, कल हम यहाँ थे नहीं, जब मैं यहाँ सुबह आई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ सब जानवर कैद हैं। इसकी शिकायत आपने नहीं की? मैंने अपने अधिकारी को इसकी शिकायत की है। किससे कहा है? SDI से। SDI साहब जी, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से मिला कि हमने BDO साहब को बता दिया है और वो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, आप लोग अपना प्राथमिक विद्यालय में कक्षाएं संचालित करिए। तो बगल में जो विद्यालय आपका है जी, यहाँ पे क्या कभी जानवर कैद किए? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पहली बार ऐसा किया गया? पहली बार अस्थायी, जुलाई में हम यहाँ पर आए हैं, जून में अस्थायी गौशाला बनी हुई, जब मैंने जुलाई में आया मैंने प्रधान से संपर्क किया तो उन्होंने कहा अस्थायी बनी हुई है गौशाला, ये थोड़े जब विद्यालय की जमीन है थोड़े दिन के बाद ये जो है यहाँ से हट जाएगी। तब से आज तक कोई और कार्य नहीं किया गया।